ये देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है, तो एकदम रॉयल है क्योंकि ड्राई नट्स है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी अच्छी हैं। और ये देखिए इस तरीके से, और कितना जल्दी और कितना इजीली बन गया। मतलब अगर आपको लगेगा ना वर्तिका इसको बनाना है हमें, तो आप जल्दी से इसको बना भी लेंगी। कुछ चीज़ें नहीं हैं अगर आपके घर में, तो आसपास ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको आसपास इजीली मिल जाएंगी। फर्स्ट इंडिया प्रेस पे चल रहा है रक्षाबंधन स्पेशल एपिसोड का सिलसिला सत्यभामा जी के साथ। तो मूंग दाल की बर्फी के बाद चलिए कुछ नमकीन हो जाए, लेकिन नमकीन भी एकदम घर वाला फील और रिच और रॉयल। तो ये है चिवड़ा मिक्सर, लेकिन ये चिवड़ा मिक्सर बहुत अलग तरीके से है, रिच भी है रॉयल भी है। इसका पूरा मसाला घर में बनाया गया है, आप भी सीखिए और ज़रूर से बनाइएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं वेलकम करूंगी सत्यभामा जी का। सत्यभामा जी, फर्स्ट इंडिया प्लस और द वर्तिका शो में रक्षाबंधन स्पेशल सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत स्वागत है। तो चलिए हम बना रहे हैं चिवड़ा मिक्सर, लेकिन ये बहुत रॉयल बनने जा रहा है। हाँ जी, ये चिवड़ा क्या है कि पोहा हर घर में मिल जाता है और इसमें मसाले खूब हैं, लेकिन ये घर के भी मसाले हैं जो हमें बाहर से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इन्हें हम मिला के और इसको हम बहुत ही बिना तेल का और बढ़िया सा हम इसको घर में बनाएंगे। ठीक है। और ठीक है जी, आधा कप पोहा है, इसको आप छान लीजिए। ठीक है, तो ये किसका एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो मिस कर जाते हैं लोग। तो ये हमने छान लिया और नीचे पूरा देखिए इस तरीके से। ठीक है, पोहा ऐड किया, हल्की सी हल्दी डाली और इसको हल्का सा सेकना है। ठीक है, अब इसका मॉइस्चर ख़त्म करेंगे बिना तेल के। ठीक है, हल्दी डालने से इसका रंग थोड़ा सा, जैसे जैसे ये सिकेगा इसका मॉइस्चर ख़त्म होगा तो इसका रंग बहुत सुंदर आ जाएगा। ओके, हल्का पीलापन लेके हो जाएगा। अच्छा, देखो ये सिक गया है जी। आप इसको थोड़ा सा ऐसे हाथ में लेके देखेंगे, ये आवाज़ आ रही है, देखो। तो ये सिक चुका है, ये सिक चुका है इसका एकदम, और रंग भी आप देख रहे हैं, हमने हल्की सी हल्दी डाली थी तो इसका रंग भी बढ़िया हो गया है। ठीक है, अब क्या करना है? अब हम इसके अंदर बाकी के जो नमकीन बनाने के लिए इसका चिवड़े के वो सारे इंग्रेडिएंट्स अब हम डालेंगे। ठीक है, ये थोड़ी तली हुई मूंगफली है, ये सेव है। ठीक है, चना दाल है। ठीक है, ये भी तली हुई है। ये जो चना दाल, ये हम जो दालियाँ यूज़ करते हैं इसको भी तला हुआ है। अच्छा, इसमें इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया लगता है। ठीक है, ये ड्राई फ्रूट्स हैं सारे, बादाम, किशमिश, काजू और मखाना। ठीक है, ये फ्राई करे हुए नारियल हैं, ये थोड़े से तरबूजे के बीज हैं। ठीक है, ये बूंदी है नमकीन, ये रायते वाली बूंदी है। हाँ, ठीक है। अब हम इसके अंदर है जो ये थोड़े से आलू के लच्छे हैं जो मैंने बिना मैदा के उसके बनाए हैं, एक आलू को कस के, और ये दो तीन चिप्स हैं इनको आप ऐसे करके ये डाल दीजिए। अब हम है जो इसके अंदर मसाला मिलाएंगे। अक्सर चिवड़े को फ्राई किया जाता है, मतलब चिवड़े को रखा जाता है और उसको तेल में फ्राई कर लेते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर सत्यभामा जी आपने इसको सिर्फ हल्का ड्राई रोस्ट किया है, क्योंकि चिवड़ा बहुत सारा तेल पी लेता है। हाँ, अगर आपने देखा हो तो। हाँ, और इसमें देखो कि हमने उसको किया ही ड्राई रोस्ट, कुछ भी नहीं डाला और इतना अच्छा रोस्ट हुआ है, इतना अच्छा क्रिस्प आया है। अब एक बार मूंगफली घर में फ्राई इजीली हो जाती है, मूंगफली फ्राई कर लीजिएगा, काजू बादाम मखाना फ्राई कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने चना दाल आती है, रेडीमेड आती है, नहीं तो आप घर में उसको फ्राई कर सकती हैं। और यहाँ पे एक जो दाल आती है बाज़ार में उसको भी हल्का सा फ्राई करके यूज़ किया है। मैक्सिमम चीज़ें ये है कि आलू के लच्छे, आलू को जैसे ग्रेट कर लेते हैं, लच्छे बना लेते हैं, तो उसको भी फ्राई करके आप रख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें फ्राई कर सकती हैं, चिप्स है तो डाल लीजिए, वरना अगर अवॉइड करना चाहें तो कर सकती हैं। और सत्यभामा जी वैसे भी इसमें अगर कोई इंग्रेडिएंट नहीं है तो वो हम अवॉइड भी कर सकते हैं। हाँ, और कुछ एक्स्ट्रा जैसे नमकीन, जैसे आपको जो नमकीन पसंद है वो ऐड कर सकती है। मतलब इतना अच्छा ऑप्शन दिया है सत्यभामा जी ने कि मतलब आप इसमें वेरी, पोहा एक बेस है।
हमारे सबके घरों में बहुत इजीली मिल जाता है। अब उसको अच्छा बनाने के लिए आप क्या क्या डाल सकती हैं, जैसे बूंदी प्लेन ली है तो आप नमकीन वाली ले सकती हैं, तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों का एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका मसाला, उसी में ही इसकी पूरा टेस्ट है। तो ये जो मसाला हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से ऐड कर रहे हैं, वो आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है सत्य मामा जी? बिल्कुल। अब हम इसके अंदर जो हमारे को इंग्रेडिएंट्स डालने थे वो डाल दिए, अब हम इसके मसाले डालेंगे इसमें। चलिए ठीक है वर्तिका जी, अब हम इसके अंदर मसाले मिलाएंगे। ठीक है, तो ये मसाले में थोड़ी सी काली मिर्च, ठीक है, थोड़ी सी काले मिर्च, थोड़ा सा साबुत धनिया सेक के, थोड़ा सा धरधरा कुटा हुआ, इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है, ये भुना हुआ जीरा, ठीक है, ये काला नमक है, हाँ, ये कश्मीरी लाल मिर्च है थोड़ी सी, ठीक है, चाट के लिए, ये थोड़ा सा गरम मसाला है, ये चाट मसाला है, इसमें वर्तिका जी सौंफ का स्वाद भी बहुत ही अच्छा लगता है पोहे के साथ में। अच्छा, हल्का सा आप दो चार डालें, ये थोड़ा पुदीने का पाउडर है, और से पुदीना तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये अब हम इसके अंदर थोड़ी सी खटाई के लिए हम ये नींबू का सत है, इसके दो चार दाने हम, ये बहुत ज़रूरी होते हैं इसमें, है ना, हाँ, इससे इसका स्वाद है जो जितना होता है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, नींबू का सत लिया है, हाँ, और ये पिसी हुई चीनी, ये पिसी हुई चीनी है थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, खटाई होती है उसको, ये हल्का सा अमचूर पाउडर, ठीक है, और इस पूरे करी पत्ता, ये इसको हम पूरे को मिला लेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं कितना बढ़िया बन गया एकदम, बहुत अच्छा सत्य भामा जी। ठीक है, अब इसकी जान है ये करी पत्ता। वाह, वाकई में सही कहा आपने। ये फ्राई किया हुआ, फ्राई करा हुआ करी पत्ता है, और ये आप, ठीक है वर्तिका जी, ये हमारी एकदम मिठाई के साथ नमकीन तैयार हो गई है। देखिए आप कितनी भी चीज़ें बाजार से ले आएं, लेकिन फिर भी साथ में घर की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होती है, क्योंकि ये हमारी भारतीय परंपरा का एक हिस्सा है। राखी का त्यौहार हो या कोई भी त्यौहार हो, अब ये एक ऐसा मिक्सचर है चिवड़े का जो आप कभी भी बना सकती हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि चिवड़े को इन्होंने सेका, उसे मखाने भी डाल दिए, ड्राई नट्स भी डाल दिए, और जो इसका मेन चीज़ है वो है इसके मसाले, जैसे सौंफ का इसमें यूज़ हुआ है, मोटा धनिया होता है उसका इसमें यूज़ हुआ है, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जिससे ये बहुत ही अच्छी बनेगी। तो आप भी इस बार अपने घर पर ज़रूर से बनाइए, और इसको एक अच्छे से एयर टाइट जार है, क्योंकि अभी थोड़ा मौसम ऐसा ही है, उसमें भर के रख दीजिएगा। अगर आप लेके भी जा रही हैं अपने पीहर में भाई के लिए, तो देखिए कितना अच्छा है, एकदम रॉयल, रिच, बेसिक और घर में इजिली बनने वाला। चलिए ठीक है, तो आइए इसको हम सर्व कर देते हैं। लाइए सत्यभामा जी, एक बहुत ही अच्छा आपने ना मिक्सचर चिवड़े का बनाना सिखाया। ऐसे हम चिवड़ा नमकीन, रॉयल चिवड़ा, चिवड़ा मिक्सचर, कुछ भी बोल सकते हैं, कंप्लीट है ये। कंप्लीट है ये, और ये बच्चों से लेके बड़ों तक, बूढ़ों तक, सबको पसंद आएगा बिल्कुल, क्योंकि न तो ये बहुत तीखा है, न बहुत खट्टा है, न कुछ और न तला हुआ है। हाँ, जो चीज़ें हमने लिए उसको जरा से तेल में हमने सिर्फ उसको रोस्ट करके और वैसे डाल दी है। तो ये देखिए कितना बढ़िया, लाइए सकते मामा जी, ये देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है, तो एकदम रॉयल है, क्योंकि ड्राई नट्स है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी अच्छी हैं, और ये देखिए इस तरीके से, और कितना जल्दी और कितना इजीली बन गया। मतलब अगर आपको लगेगा ना वर्तिका इसको बनाना है हमें, तो आप जल्दी से इसको बना भी लेंगी। कुछ चीज़ें नहीं हैं अगर आपके घर में, तो आसपास ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको आसपास इजीली मिल जाएंगी। तो देखो भाई, मेरा तो दिल लग जा रहा है। सबसे अच्छी बात कि पोहे को तला नहीं है, हमने हल्का सा रोस्ट किया है। फैंटास्टिक, मज़ा आ गया। मुझे तो लग ही ना घर में बनाया, ऐसे बाज़ार वाला फील आ रहा है, जैसे बाज़ार में लोग जाते हैं लेने के लिए,
और उनको लगता है कि बाजार वाली बहुत अच्छी है, शुद्धता के साथ बनी है पूरी।